वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। ये सुधास कार म्यूज़ियम का सेकंड पार्ट है, तो आइए एंजॉय करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एक सेक्शन कवर किया था, और बाकी के जो दो सेक्शंस हैं म्यूज़ियम के वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हैंड बैग कार, हाँ वो वाली छोटी वाली बड़ी वाली, बड़ी वाली हैंड बैग कार। अच्छा ये गाइस, ये हैंड बैग कार है और ये वही टू सीटर स्कूटर है। बहुत अच्छा मॉडिफाई किया यार। और ये बाइक भी बहुत अच्छी लग रही है। लिपस्टिक व्हीकल, लिपस्टिक बाइक। इधर टिकट है कैमरा रही। हेलो रोबर्ट चंद्र सर, ये लिपस्टिक बाइक है गाइस। स्टाइलेटो कार है, और ये सब कार मूविंग है, मतलब मूविंग कंडीशन में कार है। या अगर आप चाहो तो मूव भी कर सकते हैं इसको। ये लेडीज सैंडल कार, एक कॉम्पैक्ट जो होता है लेडीज का, उसका कार है ये। भी मूविंग है भैया, सब मूविंग ही है। ये सोफा कार, सोफा काउच कार है। ये सोफा कार है। ये गाइस ये ब्रिंजल कार है। छोटे छोटे बाइसिकल रखे हुए हैं गाइस। यजदी 250 cc का चॉपर डिज़ाइन की बाइक है। देखो क्या मस्त लग रही है, मतलब घोस्ट राइडर की याद दिला रहा है ये। अमेजिंग अमेजिंग लग रहा है। ये छोटी सी राजदूत है आपकी, मिनी राजदूत नीचे वाली। और ये आपकी लग्जरी कार है, जो पहले ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम पे लग्जरी कार आती थी, वो लग्जरी कार है ये। छोटी आपकी स्क्रैम्बलर गाड़ी है। क्या है यार, फ्रंट टायर तो मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब अगर असली में ऐसी कार, मतलब ऐसी बाइक मिल जाती है ना, तो अल्टीमेट ही रहेगी। ये नॉर्मल आयरन एंगल से बनाई हुई कार है, इसका नाम है 6 सीटर टेंडम साइकिल। जिस चीज़ का भी आपको देखना है तो उसको आप पॉज करके देख सकते हो, मतलब वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना स्टेबल वीडियो बन सके उतना बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गियर यूज़ करता हूँ मैं, उसमें मेरा 1+80 से बनाता हूँ मैं। और ये देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा एक और चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, सुधा। तो सुधा जो है वो यहाँ की मतलब यहाँ के जो वो एक्चुअली वो मेल हैं, और उन्हीं के इंजीनियरिंग माइंड से ये चीज़ बनी है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वो सुधा मैडम है, बट नो नहीं, वो मैडम नहीं है, वो सर हैं। ये देखो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंटरसेप्टर, रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब बहुत ही, मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होगा तभी आप बना सकते हो ये चीज़ें। ये देखो मतलब हेलमेट जो मैंने दिखाया था आपको, ये डिज़ाइन सोचना, इसके अंदर बैठेगा आदमी, ये सब डिज़ाइन सोचने में भी बहुत दिमाग चाहिए, और क्रिएटिविटी वो उस लेवल की होनी चाहिए, तभी बेनिफिट भी है। ये देखो गाइस, जो आपका वेस्टर्न टॉयलेट होता है उसका भी कार बनाया हुआ है, और ये भी मूविंग है। इसके अंदर आपको देखोगे तो स्टीयरिंग लगा हुआ है, ये भी मूविंग है। ये चेस बोर्ड कार है, मतलब कोई बिलीव कर सकता है कि चेस बोर्ड, चलता हुआ चेस बोर्ड है, उस पर आप चेस खेल रहे हो, मतलब ऑन मूविंग व्हीकल। ये गाइस मग कार है 100 cc, और ये जो सीसी मैंने भैया से पूछा, जो उन्होंने बताया कि ये सब व्हीकल वर्किंग कंडीशन में है, इसीलिए इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है।
और बहुत ही अच्छी लग रही है अभी। ये देखो इस पे कुछ कोट भी लिखा हुआ है, लव कोट लिखा हुआ है। ये तो इस टाइम भी बनाई हुई गाड़ी लग रही है, देखते हैं क्या है ये। ओके, काइनेटिक प्राइड मॉडल 1998, स्प्लिट डिज़ाइन फॉर हैंडीकैप। ओके, फॉर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है ये। और ये ऊपर अच्छा खासा शेड दिया हुआ है, और ये सी थ्रू ग्लास है आगे लगा हुआ, जो बहुत अच्छा प्रोटोटाइप बनाया है। मतलब अगर इसको, ऑब्वियसली ये तो हम लोग एज अ कमर्शियल व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते, बट इसको देख के बहुत लोग अपना आइडिया लगा के नया बाइक बना सकते हैं। और ये नॉर्मल आई थिंक ये स्कूटी का ही लग रहा है, फ्रंट स्कूटी को या फिर ऑटो का पार्ट लगा के बनाया गया है। देखो गाइस, ये आपका स्मॉलेस्ट, इंडिया स्मॉलेस्ट ट्रेन। इंजन इसमें लगा हुआ है राजदूत का 175 cc, स्पीड 30 km/h। मतलब ये भी फॉरिंग कंडीशन में आप देख सकते हो, उसके टायर भी लगे हुए हैं। ये बोगी वाली ट्रेन है आई थिंक ये। ओके, सीटिंग कैपेसिटी 10। ओके, मतलब 10 लोगों की कैपेसिटी, 10 लोगों को बैठा के चल सकती है गाड़ी। और ये भी वर्किंग कंडीशन में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी मेंटेनेंस जाती होगी इन सब चीज़ों की। और काफ़ी अच्छा स्पेस, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा स्पेस इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। और ये देखो गाइस, ये आपको दिखाना भूल गया मैं, ये आपकी बर्गर कार है, ये है आपकी बर्गर कार, थ्री व्हीलर। अच्छा, इसके तीन पहिए होंगे इसमें। ओके, 60 cc, मतलब अच्छा लगेगा ना यार। आप इमेजिन करो कि आप रोड पे चल रहे हो अपनी बाइक या कार पे, और आपको अचानक से एक बर्गर चलता हुआ दिख जाए, कितना अच्छा लगेगा। वो देखो गाइस, पीछे आपकी 4-सीटर साइकिल रखी हुई है, इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलती है। और ये आपकी जो कार है, ये क्या है, बेड कार। ओके, ये 5-व्हील बेड कार है, 60 cc, ये 2006 में मैन्युफैक्चर हुई थी। और इस तरह की कार आपने, इस तरह की जो ये है ना साइकिल, आपने देखी होगी सर्कस वगैरह में, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने कुछ विंटेज कार्स का वीडियो डाला हुआ है जो आपको एंड में मिलेगी, और थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स भी हैं। तब तक आप ये देखो, मतलब डिज़ाइन भी कितने क्लासिक किए गए हैं, 3D डिज़ाइन किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ना इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मतलब कौन सी कार कौन से ईयर में बनाई गई थी, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और यहाँ पे लोग अवेलेबल, मतलब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको सब नॉलेज है इसके बारे में। देखो, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हर कार की। ये सेक्शन तो मैं ढूंढ रहा था, ये देखो गाइस, ये 3-व्हीलर मोटरसाइकिल है, देखो क्या क्लास लग रही है यार, अमेजिंग। उसके बाद आ गई आपकी एम्बेसडर सुपर 10 स्टैंडर्ड, 1962 का मॉडल है। मतलब ये तो आप कभी देख भी नहीं पाओगे अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो प्लीज़ आओ यहाँ पे। हो सकता है कि पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा इसका रेट कम हो जाए, किराया कम हो जाए। ये देखो ड्यून बग्गी, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, 1000 cc। उस टाइम तो बहुत बड़ी बात 1000 cc, अब तो खैर आपको स्पोर्ट्स बाइक ही मिल जाएंगी 1000 cc से ऊपर की। ये देखो एम्बेसडर मोरिस मेनर मॉडल 1950, इसकी एक हेडलाइट निकली हुई है, बट फिर भी वो ब्यूटी लग रही है यार। और इसके बोनट पे ये जो लगा हुआ है ना भैया, 12 सिंगा, क्या लग रहा है यार ये, मतलब इसकी ब्यूटी बढ़ा दी इसने, अल्टीमेट लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मेंटेनेंस देखो यार, ये फीएट 1100 cc, फीएट 1991 का मॉडल है, क्या लग रही है यार, क्या शाइन मार रही है गाड़ी, ऐसा लग रहा है कि ये अभी मॉडल, मतलब मैन्युफैक्चर होके आउटलेट में पहुंची है गाड़ी, क्या शाइन मार रही है, मस्त।
यहाँ आप आओ, अपने बच्चों के साथ भी आओ, फैमिली के साथ आओ, एंजॉय करो। और जो कार लवर हैं, बाइक लवर हैं, उनके लिए तो अच्छी है ही जगह। अरे यार, ये जोकर यहाँ पे क्यों गिरा हुआ है? ओके, ये फूड वैन है, जैसा होता नहीं है मील्स ऑन व्हील्स टाइप का, उस टाइप का ये ऑप्शन, मतलब कॉप बढ़िया बनाया हुआ है ये भी। ये देखो गाइस, क्या स्लीक डिजाइन लग रहा है, मतलब बहुत ही अमेजिंग यार। ये तो सफारी वाली गाड़ी लग रही है। ये क्या है आपका? रन अबाउट कार। नाइस। बहुत लोग जो होंगे ना, जिनको गाड़ी का शौक होगा, वो तो पक्का आने वाले हैं। अगर वो हैदराबाद रहते हैं ना, पक्का आएंगे। और बाकी स्टेट के लोग भी अगर आते हो यहाँ पे, तो पक्का यहाँ पे घूम के जाओ यार। ओके, ये रोल्स रॉय कार है। मुझे टॉय कार लग रही है। टोपोलिनो, टोपोलिनो कार है ये। देखो, ओहो, ये तो रेसिंग कार लग रही है यार, पुरानी टीआर 1950 मॉडल। मतलब मुझे भी बहुत शौक है कार का, मतलब इतनी पुरानी गाड़ी का भी इतना मुझे आइडिया नहीं है। ओके, स्टीम कार के चेसिस पे बनी हुई गाड़ी है ये, 6 मंथ्स पहले ही बनाए के यहाँ पे रखी है इन्होंने। अल्टीमेट लग रही है। अरे यार, क्या ब्यूटी लग रही है गाड़ी, अल्टीमेट रिलीज। ओके, इसीयू का इंजन है इसमें। देखो यार, मतलब देखो क्या लग रही है गाड़ी। ये भी वुल्फली मॉडल 1950 इंजन, BMC। ओके, क्या मस्त लग रही है गाड़ी यार। ये मेरे ख्याल से नई है एम्बेसडर, नई भी नहीं है मतलब, हाँ उतनी पुरानी भी नहीं है। ओके, ये देखो गाइस, हिंदुस्तान। मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान नाम से भी गाड़ी है हमारी, पर क्या लग रही है यार, बल्कि गाड़ी। मतलब इसके सामने ना ये सब रोल्स रॉयस सब बेकार लगती हैं यार, अगर सही में होती ना। ये देखो क्या लग रही है गाड़ी यार, ये रोल्स रॉय है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, जो लोगों को पता है रोल्स रॉय, उनको इस परी के बारे में पता होगा। बादशाह का गाना भी है ना, 1 2 3 गाड़ी की बोनट से निकले परी, तो वही है गाड़ी रोल्स रॉयस। और इंडिया में भी बहुत कम ओनर्स हैं रोल्स रॉयस के। और ये बताना गाइस, ये क्या है, ये सांप निकल रहा है, ये क्या एग्जॉस्ट है या क्या है, या शो के लिए है? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। उसके अलावा रॉयल इनफील्ड घोस्ट रेप्लिका, ओह अल्टीमेट यार, नाइस। इसके अलावा ये सब गाड़ी हैं, इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट मज़ा आ गया यार गाइस यहाँ पे। ये देखो, मतलब लोग सोच रहे होंगे, मतलब जो मतलब अगर अमीर हो जाएं तो ऐसा हमारा गैराज रहेगा, विंटेज कार, नई कार, और क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट्स कार, अल्टीमेट यार, नाइस गाइस। ये शू कार है, स्नीकर कार, कितना मस्त बनाया हुआ है। तो गाइस ये देखो, अब हम नया सेक्शन में आए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। ये है आपकी TVS 50cc ट्राई प्ले डिज़ाइन फॉर हैंडीकैप। देखो, हमने एक मॉडल वहाँ पे देखा था पुराने सेक्शन में। और ये देखो, यह है हमारी केज कार, पैरेट केज कार, कितना क्यूट एक
टॉय रखा हुआ है अंदर, केस कार। कितना मस्त है यार ये, इसके बारे में इन्फो ले लो आप। ये आई होप केक कार होगा। हाँ मतलब देख के पता लगा सकते हो यार। बेस स्वीपिंग मशीन, ओके ये सफाई वाली मशीन है ना, क्लीन करने के लिए। कितना मस्त लग रहा है। ये क्रिकेट बैट कार है गाइस, इतना बड़ा बैट मैं लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। आई होप आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा इतना बड़ा बैट। और इसमें लाइट्स भी हैं और ये कार है, प्रॉपर कार है। पर इसमें बैठ के चलाते कैसे होंगे? ओके हो सकता है कि ये जो सेक्शन ओपन है ना, इसको ओपन करते होंगे और इसके अंदर सीट होती होगी, इसमें बैठते होंगे और इसमें स्टीयरिंग व्हील होगा, क्योंकि पहिए आप देखोगे इसमें नीचे है। नाइस यार, ये कॉन्डम बाइक है गाइस। अच्छा है ये, मतलब एटलीस्ट अवेयरनेस तो फैला रहे हैं। ओहो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे लिखा नहीं है इसके बारे में, बट ये कोरोना कोरोना वायरस कार लग रहा है मुझे, वायरस कार। अच्छा है, मस्त है। ये आपका ट्रेन है, ये आपका इंजन है, स्टीम इंजन पुराना वाला, स्टीम इंजन। ओके ये पैडल स्वीप, स्वीप पैडल जो होते हैं ना हमारे जिम में, वो वाली बाइसिकल है। ओहो ये डाइनिंग टेबल कार है, डाइनिंग टेबल कार, 8 सीटर डाइनिंग टेबल कार, मस्त है यार। ये क्या है? ओके ये कंप्यूटर कार है, काइनेटिक होंडा का इंजन लगा हुआ है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग 2004। हाँ उस टाइम ही आते थे इतने बड़े बल्कि मॉनिटर्स, बल्कि कीबोर्ड और बल्कि सीपीयूज। एकदम इसमें माउस भी लगा हुआ है, तो गाइस बहुत अल्टीमेट फन फन लविंग लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये शिवलिंग कार है गाइस, तो शिव जी के भक्त है ना, उनको तो मज़ा आ जाएगा, उनको लगेगा कि ये लेके चले जाते हैं घर पे। कितना क्लास लग रहा है। ये अगेन एक शू कार है, एक हम लोगों ने बाहर देखी थी, ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है इसका, इसमें ये रियर व्यू मिरर भी लगे हुआ है। ये पुराना टेप रिकॉर्डर, ये कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर कार है ये। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस कैमरा कार, क्या मस्त लग रहा है यार। कितना 5000 लेंस कौन सा होगा इसमें, 5000 वाला होगा, उसके बारे में कमेंट करना गाइस। कितना ISO होगा, कितना इसका शटर स्पीड होगा, कैमरे की क्या मतलब लेंस की क्या रिजोल्यूशन रहेगी, बताना यार आप लोग। ये है आपकी फन कार्ड, ये है आपकी बुक बुक कार्ड, ये क्या है? ओके ये आपकी इरेजर कार है, ओह माय गॉड ये आपकी शार्पनर कार है, ये आपकी पेन कार होगी, फाउंटेन पेन कार। क्या मस्त लग रही है यार फाउंटेन पेन कार। ये आपकी पेंसिल कार है, पेंसिल बाइक, ओके वो भी फाउंटेन पेन बाइक थी। ओके सिल्वर टाउन डबल डेकर कार, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डबल डेकर 939। ओके अशोक लेलैंड का इंजन, नाइस।
ये है आपकी लड्डू कार, लड्डू कार। वाह यार, अल्टीमेट यार, मजा आ गया। ये क्या बत्तख कार? लग तो बत्तख कार रही है, इसे पैक करके रखा हुआ है वो। ओके, हो सकता है गंदा ना होने की वजह से सब कुछ पैक करके रखा है। देखो गाइस, ये आपकी बैंगल कार होगी क्योंकि इसमें पूरा बैंगल्स बने हुए हैं, पूरा बैंगल्स से बनाया हुआ है इसमें। ये आपकी लोटस कार होगी, लोटस बने हुए हैं इसमें। हाँ, लोटस, लोटस शैरियट कार। ओह, ये पूल टेबल कार, स्नूकर, स्नूकर टेबल कार। मतलब इसमें बैठो, स्नूकर खेलते खेलते आप घर जाओ। और ये शटल कॉक कार है साहब, डिजाइन दिमाग में आता कैसे है सब चीजों का, बहुत ही मजेदार। आपकी क्रिकेट बॉल उसका है, क्रिकेट बॉल। ये आपकी बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कार। इसके बारे में पॉइंट फोर लेता है, बास्केटबॉल कार। और यार रश भी नहीं उतना, आप आराम से आके एंजॉय कर सकते हो। बाहर रोड पे क्या रश है, यहाँ पे कुछ भी रश नहीं है क्योंकि यहाँ के आसपास लोगों ने देख लिया होगा ना यार। टेनिस बॉल कार, यह है आपकी गोल्फ बॉल कार। फुटबॉल कार, ये बहुत लोगों को पसंद आई। जाते जाते फुटबॉल खेलना तो लोगों ने देखा होगा, किया भी होगा, लेकिन फुटबॉल में बैठ के जाना मतलब ये तो किसी ने भी नहीं किया होगा यार। तो भाई ये था हमारा टोटल सुधा कार्स म्यूजियम का टूर। आप, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ऑब्वियसली पसंद आया होगा यार, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे पूरा व्यू। आप लोग आओ और इन्जॉय करो फुल। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जगह का लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, फाइनली हम लोगों का ट्रिप कंप्लीट हुआ और बहुत ही अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है आपको, बहुत ही इन्जॉय करोगे आप लोग। मैं बहुत घूम लिया और थक गया हूँ यहाँ पे मैं, इसलिए अब पूरा फेस में पसीना आ रहा है। तो आप ज़रूर आइए, इन्जॉय कीजिए यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगता तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, बाय।